हेलो गाइस, तुरंग जर्नल के और एक नए ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं नागालैंड में हूँ और अभी हम जाने वाले हैं रुसुमा विलेज। वहाँ चल रहा है ऑरेंज फेस्टिवल, तो हम वहाँ विजिट करेंगे। तो बने रहे और एंजॉय कीजिए ऑरेंज फेस्टिवल हमारे साथ। तो मिलते हैं रुसुमा विलेज में। गाइस, आपको मैं बता दूँ, चेदेमा विलेज जहाँ अभी हम रुके हैं, ये पूरा विलेज नो स्मोकिंग जोन है। बहुत अच्छा लगा इसको देख के। हमारे वहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है, बल्कि देखने को ही नहीं मिलता। ये सेम वेडिंग डे का पार्ट है। अगर दोनों वीडियो को साथ में बनाता तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए दोनों को अलग अलग ब्लॉग बनाया। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी लोकेशन पे। अभी हम जाएंगे अंदर। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एंट्री गेट पर मिलता है प्री ऑरेंज टेस्टिंग के लिए। बहुत ही अच्छा लगा इसे देख के। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी अंदर। आपको चारों तरफ एक बार दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ के एंट्री के लिए सिर्फ 10 रुपीज़ पर मेंबर लिया, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो कोई भी आके विजिट कर सकते हो। इस स्टोर पे हैं कुछ ग्रीन टीज, लोकल टोमेटो, रेड वाला है लोकल टोमेटो, और बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स। इसके बाद है वाइल्ड पोटैटोस, अच्छा रख रहे बोला तंगो अलग कलर है ना, रेड रेड ऑरेंज। गाइस, आपको यहाँ पे मिलेगा अलग अलग प्रकार का ऑरेंजेस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह है लाल वाला संतरा। और साथ ही साथ में आपको बता दो, यहाँ पे आप जितना फ्रूट्स और सब्जी वगैरह देख पा रहे हैं, सभी ऑर्गेनिक हैं और बहुत ही सस्ता दाम में आपको मिल जाएगा। संतरा संतरा
इस स्थल पे है कुछ पोर्ट्रेट्स लोकल आर्टिस्ट से बनाए हुए हैं, यहाँ का लोकल काफ़ी सुंदर सुंदर है। आपको कौन सा सबसे सुंदर लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। गाइस, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह सभी ऑर्गेनिक हैं, और इनका फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मोटो भी यही है ताकि वो अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके, जिससे कि वो फ्यूचर में इनका एक्सपोर्ट भी कर सके बाहर। तो काफ़ी अच्छा आइडिया है इन लोग का। यहाँ पे मोस्टली आपको ऑरेंज ही देखने मिलेगा क्योंकि फेस्टिवल का नाम ही ऑरेंज फेस्टिवल है। और यहाँ पे यहाँ का खास बात है कि हर घर पे आपको संतरा मिल जाएगा, सबके किचन गार्डन में संतरा ज़रूर मिलेगा आपको। गाइस, अभी हम बहुत घूम चुके हैं, अभी टाइम है ड्रिंक्स ब्रेक लेने का। हम टेस्ट करेंगे यहाँ के लोकल मेड ग्रेप्स वाइन। आप वाइन को खरीदने से पहले इनको चख सकते हैं ताकि टेस्ट का पता लगा सके, और पसंद नहीं आने पर आप इसे नहीं भी ले सकते हैं। हमने टेस्ट किया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसका लॉटरी ड्रॉ हो रहा है अभी, यहाँ के फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए है लकी ड्रॉ। So, like, was kind of like the original. Yeah.
गाइस हम निकल चुके हैं ऑरेंज फेस्टिवल से और अभी है हम फ्रेंड के घर जो हमें लेकर गए थे ऑरेंज फेस्टिवल में। आज एक्चुअली ऑरेंज फेस्टिवल का लास्ट डे था तो इसलिए कुछ म्यूजिकल नाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम फ्रेंड के घर जाकर उनके फैमिली मेम्बर से मिले, थोड़ी बातचीत की, फिर निकल गए हम चेतमा विलेज के लिए। एक्चुअली वही फ्रेंड हम लोग को छोड़ने गए थे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए अगर आप देख रहे हो तो। यह है उनका पिताजी। घर वापसी के दौरान हमने वहाँ के एक टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया जो कि एक लेजेंड पे बेस्ड है। काफ़ी रात हो चुका था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके आप अच्छे से दिखाऊं। ये लेजेंड बेसिकली सोफियान नाम की एक महिला और उनके बेटे के ऊपर बेस्ड है। तो आइए आपको पूरा शेयर कराता हूँ यहाँ का। यहाँ पे सोफियान और उनके लेजेंड के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप अगर पढ़ना चाहते तो पॉज करके पढ़े। क्योंकि मैं कहानी सुनाने शुरू करूं तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। मेमोरी ऑफ लेजेंड इज सोफियान इनॉग्रेटेड बाय श्री नेफ्यू रियो होनेवर मिनिस्टर ऑफ नागालैंड ऑन द 16 मार्च 22। तो गाइस लेजेंड के अनुसार ये है सोफियान और उनका बेटा जो पत्थर में तब्दील हो गए थे। ये बड़ा वाला है माँ और छोटा वाला है उनका बेटा। यहाँ पे लेजेंड के अनुसार कुछ चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो में। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे और सब्सक्राइब कर दे। हम फिर मिलेंगे नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।